नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे, जहां पे आपको NIOS से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है टाइम टू टाइम। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं इसी तरीके की NIOS से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। आज की जो ये वीडियो है वो सभी NIOS के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी ने अपना TMA जो है वो अपलोड किया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना गलत TMA अपलोड किया है वो किस तरीके से सही कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने अपना TMA अपलोड किया है वो देख सकते हैं कि आपने जो TMA अपलोड किया है वो गलत है या सही। तो कंप्लीट वीडियो को आप लोग वॉच करें, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग को अगर नहीं पता तो NIOS ने अपना डेट जो एक्सटेंड किया था, पहले 31 जनवरी था अपना TMA अपलोड करने का जो डेट था, बट डेट को एक्सटेंड करके 15 फरवरी तक कर दिया गया है। और आप लोग यहाँ पे ये भी चीज़ देख सकते हैं, जो 15 फरवरी तक डेट दिया गया है उसमें आप लोग ऑनलाइन और साथ ही साथ ऑफलाइन भी TMA जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना गलत TMA अपलोड किया वो देख ले, और साथ ही साथ जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना TMA जो सही अपलोड किया वो भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो TMA अपलोड किया है वो सही है गलत। तो सबसे पहले आप लोग अपना डैशबोर्ड जो है उसको ओपन कर ले। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे TMA स्टेटस जो है उसको आप लोग जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सारे ओपन होके आ जाएंगे। और आप लोगों ने अगर TMA अपलोड किया है तो इस तरीके का आपको आपके पास दिख रहा होगा, जिसमें आप लोग का लिखा होगा TMA अपलोडेड, मार्क्स जो है अभी पेंडिंग है, वो बाद में आप लोग को पता चलेगा। मैं ये भी बता देता हूँ, जो TMA के जो मार्क्स होते हैं वो फरवरी के एंड में आप लोग को बताए जाते हैं, ऑनलाइन ही आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे जितने भी आपके मार्क्स मिले होंगे TMA में। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आपको अगर चेक करना है कि जो आपने TMA अपलोड किया है वो सही अपलोड किया है या गलत अपलोड किया है, या फिर जिन स्टूडेंट्स को कन्फर्म है कि उनने गलत ही TMA अपलोड किया है, एक बार चेक कर ले। जैसे मान ले हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का TMA जो हमने अपलोड किया है, तो यहाँ पे TMA फाइल पे आप लोग क्लिक करके चेक करें कि आपने जो TMA अपलोड किया है वो कौन सा फाइल किया। तो यहाँ पे आप लोग जब क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपका PDF है वो ओपन होके आ जाएगा। तो जब आप लोग ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आएगा, जो कि NIOS के सामने भी यही पेज ओपन होके आएगा, जिसमें आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट और मीडियम दिखाई देगा, जो भी मीडियम में आप लोगों ने अपना TMA जो है अपलोड किया। बहुत स्टूडेंट्स ने गलत मीडियम भी सिलेक्ट कर लिया था, अगर उन लोग का मान लो कि हिंदी मीडियम था तो उन लोगों ने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करके भी अपलोड कर दिया था, तो वो भी गलत माना जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आके अपना PDF फाइल देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने अपना TMA जो है अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे जो फाइल आप लोग के पास जो दिख रहा है वही सेम फाइल आप लोगों ने अपलोड किया है। तो अगर आप लोगों ने गलत फाइल अपलोड कर दिया और गलत मीडियम अपलोड कर दिया तो अब आप लोगों को क्या करना है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखो, जैसा आप लोग को पता है जो TMA अपलोड करने का जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी तक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। तो अगर आप लोगों ने अपना TMA जो ऑनलाइन अपलोड कर दिया है गलत, और अगर आपने गलत TMA अपलोड किया, तो फिर से यहाँ पे अभी करेक्शन का कोई भी विंडो नहीं है, NIOS ने ऐसा कोई भी विंडो नहीं डाला है कि आप लोग अपना TMA जो उसको करेक्ट कर सकते हो। तो ऑनलाइन तो आप लोग नहीं कर सकते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है, आप लोग जो अपना TMA है वो आप लोग अपना स्टडी सेंटर पे जाके वहाँ पे सबमिट कर दे। और अगर स्टडी सेंटर वाले TMA लेने के लिए मना कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे बताएं, मैं आप लोग का TMA जो अपलोड कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ जितने भी NIOS के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप लोग का TMA अपलोड नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम हो गया, आप लोग एक बार स्टडी सेंटर जाएं, वहां पे सबमिट कराएं, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं आके। TMA जो है स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे TMA कंपलसरी नहीं है NIOS के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप लोगों ने TMA अपलोड नहीं किया है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग फेल हो जाओगे, बट अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की हुई है या फिर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो TMA यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 20% वेटेज जो होता है वो TMA का ही होता है पूरे सब्जेक्ट में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि TMA अपना आप लोग जरूर अपलोड करें, जरूर जाके सबमिट करें, और आप लोग अपना TMA यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया आप लोग चेक कर सकते हैं कि सही TMA अपलोड किया आप लोगों ने या गलत TMA अपलोड किया है। और अगर गलत TMA अपलोड किया तो आप लोग जाके अपने स्टडी सेंटर पे TMA को सबमिट कर दें, ठीक है दोस्तों। और आप लोग अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखें। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये जो एग्ज़ाम है NIOS उसका पोस्टपोन्ड हो जाएगा या फिर आप लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा, तो मैं साफ साफ आप लोग को बता रहा हूँ, इस बार प्रमोशन नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि CBSE का भी एग्ज़ाम हो रहा है अप्रैल में और NIOS का भी एग्ज़ाम अप्रैल में ही होगा। तो एग्ज़ाम आप लोग का कैंसिल नहीं है, एग्ज़ाम आप लोग का होगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना TMA अभी तक सबमिट नहीं किया है, सबमिट कर लें, प्लीज़ सबमिट करें। मैं हर एक वीडियो में आप लोग के साथ बोलता हूँ।
और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आप सभी का डाउट जो है देखता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि और भी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो एनआईएस से रिलेटेड होगा वो आप सभी के पास पहुंच जाएगी। ये वीडियो था दोस्तों, यहीं तक, धन्यवाद।